चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के यू नो शर्म आनी चाहिए। आई विल क्लैरिफाई इट इन द एंड। अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत जी, जिससे अल्लाह की मासियत लाजिम आती हो, शिर्क। अपने विचारों पर काबू कैसे पाया जाए, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड ब्रिंग बैक योर ईमान ऑन अल्लाह ताला। और मुझे लगता है कि उर्फी जावेद जैसे बहुत सारे गुस्ताखों को अपना ईमान ताज़ा करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं सपोर्ट करती उनका अगर वो सिर्फ इतना कहती कि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करती, मैं मुसलमान नहीं हूँ, पर वो इससे बहुत ज़्यादा ही कहती हैं हमेशा, और इनफैक्ट कुरान शरीफ की बेहुरमती तक करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमने पहले भी एक वीडियो उनका देखा था एंड वी वर शॉक्ड बाय हर हार्श वर्ड्स। कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने अल्लाह पर जो ईमान है उसको ताज़ा करने के लिए, क्योंकि कई मरतबा हम नासमझी में गलतियाँ गुस्ताखियाँ कर बैठते हैं। बट इफ वी बिलीव इन गॉड एंड डू नॉट हर्ट अदर पीपल, नेक आमाल करना हम स्टार्ट कर दें तो अल्लाह हमसे ज़रूर राज़ी होता है, और तौबा करने के लिए तो कभी देर नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ करके गुनाह करें, तब तो आपसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं, पर जब रियलाइज़ हो जाए ना कि दिस इज़ व्हाट इज़ द मिस्टेक दैट आई हैव डन और मुझे सॉरी कहना चाहिए, किससे? अल्लाह सुभान व तआला से, तो प्लीज़ ना तौबा ज़रूर कर लिया करें। अच्छा चलिए, हम तकरीर सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं और अपने उत्साह को इतना सा भी ना घटाते हुए बयान सुनते हैं, उसके बाद एक उचित निष्कर्ष पर जरूर से उतरेंगे। आई डोंट नो व्हाई मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजियंस, बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो। ऐसा नहीं होता, जब आदमी चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के यू नो शर्म आनी चाहिए। आई विल क्लैरिफाई इट इन द एंड। अल्लाह के सिवा किसी और की इताअत जी, जिससे अल्लाह की मासियत लाजिम आती हो, शिर्क। ला ताअत अल मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, मखलूक में से किसी की इताअत नहीं होगी ये उस मामले में जिसमें खालिक की मासियत लाजिम आ रही। हाँ, खालिक के अहकाम के अंदर अंदर वालदैन का हुक्म भी मानो, इताअत करो, असातिज़ा का हुक्म मानो, किसी और को अपना लीडर माना है उसका हुक्म मानो, लेकिन नॉट बियॉन्ड वो जो सर्कल है किताब और सुन्नत का, उससे बाहर नहीं। ला ताअत अल मखलूक इन फी मासियत अल खालिक, ये आप अलजबरे के फार्मूले के तौर पर अपने सामने रखिए। अब इसे अप्लाई कीजिए जैसे फार्मूलों के जरिए से फिर बड़े बड़े वो सम जो है वो हल किए जाते थे सवालात। जी। सुबह का वक्त है, आंख भी खुली है, कुआदान की आवाज भी कान में आई है, आपका नफ्स कहता है अभी सो जी। आपने अपनी चादर या कंबल को दुरुस्त किया और करवट ली और सोया, ये क्या है? आपने किसका हुक्म पीछे फेंका और किसका हुक्म माना? शैतान का माना, अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंक दिया, नफ्स के हुक्म को आगे रखा। नफ्स, ओके। ये शिर्क, इस शिर्क को जानने वाले बहुत कम है। मौलाना रूम ने खूब कहा था, नफ्स माँ हम कम तरस फिरौन नीस्त, लेकिन उराओन इराओन नीस्त। मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन ने कहा था ना, अलै सली मुल्क मिस्र वहादहिल अनहार और तजरीम इंताहती, क्या इस मुल्क के मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है, और सारा जो ये आप पाशी का निज़ाम है, अनहार का निज़ाम है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिसका चाहूं मोगा खुला रखूं, जिसका चाहूं बंद कर दूं। ये था खुदाई का दावा, अना रब्बुकुम अल आला।
तो मौलाना रूम कहते हैं मेरा नफ्स भी उससे कमतर नहीं है। वो कहता ये जिस्म मेरा है, इस पर मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता कौन अल्लाह कौन रसूल, क्या हराम क्या हलाल। तो फिरौन से कम तो नहीं है मेरा नफ्स। लेकिन उराओन उसकी बहुत मदद थी, फौज थी, लाओ लश्कर था, तो उसने जबान से भी कह दिया खुलकर आला रब्बुकुम अलआला, मैं मिस्कीन हूं, गरीब हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं जबान से तो कुछ नहीं कह सकता, अंदर से मेरा नफ्स यही कहता। ये नफ्स की हुकूमत, कुरान कहता है बहरान होता हूं। दो जगह ये मजमून आया है, अरायत मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु अफअंता तकूनु अलैहि वकीला। ए नबी, तुमने देखा उस शख्स को, उसके हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इलाह, ला इलाह इल्लल्लाह, कलमा तौहीद का मरकजी लफ्ज यहां आ रहा है। मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, इलाह बना लिया। अफअंता तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप ऐसे शख्स की कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं? सूद हराम हुआ करे जी, हराम वराम, हमारा धंधा जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो अल्लाह के हुक्म को पीछे डाला, नफ्स के तकाजे को आगे रखा, कौन माबूद है आपका? नाम अब्दुल्ला रखिए, नाम अब्दुल रहमान रखिए, है अब्दुल नफ्स। अरे भैया, नफ्स के बंदे, नफ्स के गुलाम। गॉड, ये मैंने यूं समझिए कि जैसे मैंने हिजरत और जिहाद की डेफिनेशंस की थी। हिजरत का बेस क्या है? पूछा गया अय्युल हिजरत अफजल हो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल बताइए सबसे आला हिजरत कौन सी है अफजल। फरमाया अंता जुरा मा करे हर रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। आज रात ही से आप हिजरत शुरू कर सकते हैं। वेरी नाइस, जायजा लीजिए क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में खिलाफ शरीयत है, जो अल्लाह को नापसंद है। फैसला कीजिए कि आज के बाद नहीं होगी, हिजरत शुरू हो गई। अफजलुल हिजरा, सबसे अफजल हिजरत शुरू हो गई। लेकिन टॉप पर ले जाइए तो ये हिजरत, जब अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद उस मरहले पर आ जाए कि अब बातिल के साथ टकराव है और अब चाहिए कि सारी कुव्वत एक मरकज पर जमा हो जाए, हिजरत फर्ज कर दी गई। वो हिजरत घर बार छोड़कर, अहलो आयाल को छोड़कर और मक्के के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर अपने घर वालों को, जो लोग हिजरत करके आए, हुक्म था। हिजरत मदीना फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी, सिर्फ इजाजत थी कि जिनसे सख्तियां नहीं झेली जा रही मजीद वो चले जाए। तो हिजरत का ये इब्तदाई नुक्ता, इंतहा ये जिहाद। अल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहू, जिहाद तो यहां से शुरू हो गया, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना, ये बेस्ट है। सुबह नफ्स ने कहा अभी सो जाओ, आपने नफ्स की बात को रद्द किया, अपना कंबल उठा के फेंका, उठे, वजू किया, नमाज के लिए आप मस्जिद चल दिए, आपने जिहाद किया नफ्स के खिलाफ, ये अफजलुल जिहाद है। That's a great struggle. और सबसे चोटी ऊपर ये है कि जब वो हक व बातिल की जंग हो तो जान हथेली पर रखकर मैदान में हाजिर हो जाओ। देखिए ये बात है, जिहाद जैसे शब्द को जैसे हमारा मीडिया पोर्ट्रे करता है कि बहुत बड़ी दहशत है ये, जबकि असलियत ये है कि इट्स अ स्ट्रगल जो कि सबसे पहले खुद के थॉट प्रोसेस, खुद के ईगो के साथ किया जाता है। ये ईगो ही तो है जो आपको सुबह उठने नहीं दे रहा है, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है, पॉजिटिव थॉट से आपको वंचित रख रहा है। दैट्स ईगो ओनली जो कहता है कि यू योरसेल्फ आर गॉड, You are created by God, you are God's creation, पर आप अल्लाह कैसे हो सकते हैं? It's impossible, right? आप तो अभी खुद कुछ साल पहले इस दुनिया के अंदर प्रकट हुए हैं। ये दुनिया तो सदियों सदियों कब से चलती आ रही है। और उर्फी जावेद की बात को मैं वहां तक सपोर्ट करती हूँ कि I do not follow Islam, मैं मुसलमान नहीं हूँ। बट उसके बाद
जो वो बोलती हैं, और इनफैक्ट वो सारे लोग भी जो इनको दोष देते हैं कि तुम मुस्लिम हो के ये सब क्यों कर रही हो, आई डोंट सपोर्ट देम ऑल्सो, क्योंकि उसने तो साफ कह दिया कि वो मुसलमान है ही नहीं। और जहां तक बात रही उन जालिम आदमियों की जो अपनी औरतों पर बच्चों पर जुल्म करते हैं, वो इस्लामिक हो ही नहीं सकते। इस्लाम में इस चीज को सिखाया ही नहीं गया है, सबकी इज्जत और एहतराम करने को तफसील में दर्शाया गया है। सो आई होप शी गेट्स बैक टू हर सेंसेस, एंड आई होप एवरीबडी हु इज क्रिटिसाइजिंग हर इन अ रॉन्ग वे, दे शुड ऑल्सो गेट बैक टू देयर सेंसेस, अदरवाइज दिस वीडियो वॉज ग्रेट। और एक ये जो बात है ना कि अल्लाह के अलावा अगर आप किसी को पूजते हैं तो वो शिर्क है, इसका मतलब यही है कि प्लीज प्रे टू अल्लाह। उसके अलावा अगर आप ये सोचें कि कोई इंसान जो आपको जॉब दे रहा है, आपका बॉस, वो आपका खुदा हो गया, तो फिर गुनाह ही है, क्योंकि मांगते हम अल्लाह ताला से ही हैं और वही देते हैं। तो हमको हर एक छोटी छोटी चीज के लिए वी हैव टू बी ग्रेटफुल, राइट? थैंक गॉड आई हैव यू इन माय लाइफ हु इज लिसनिंग मी राइट नाउ, और जो ईमान की तरफ झुकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और कभी किसी दूसरी कम्युनिटी के इंसान से नफरत मत करना, ये मत सोचना कि ओनली माय धर्म इज एवरीथिंग, वो भी किसी की पूजा करते हैं, कोई भगवान को पूछता है, याद सब उस एक ही अल्टीमेट पावर शक्ति को कर रहे हैं। सो वी आर ऑल कनेक्टेड, एंड ऑब्वियसली हमको उस एक ही यूनिवर्सल पावर ने बनाया है, जिसको मुसलमान कहते हैं अल्लाह, हिंदू कहते हैं भगवान, क्रिश्चियन कह देते हैं गॉड ऑलमाइटी, पर है वो एक ही, और हम सब उन्हीं की क्रिएशन है। तो खुदा की पैदाकर्ता मखलूक को हमेशा प्यार करना और इंसानियत के नज़र से देखना। आई होप दिस वीडियो मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। फिलहाल के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अल्लाह पाक को भी ये मुस्कुराते चेहरे बड़े पसंद हैं, तो हमेशा राज़ी रखो अल्लाह को, और ख्याल रखो। हाँ, अल्लाह हाफिज़।